सवाल तो सेंटर देखना सर लुक सेंटर ही देखना देखना यहाँ ही है ये आइस कैफे ओके गाइस मैम आज यहाँ पे बैंक का लॉन्च लीडर आप आए हैं जिसका आज लॉन्च है मेगा लॉन्च है हम लोग मीडिया टीम पर बना हुआ है हाय दिस इज शोमू मित्रा आई एम एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड सोशल वर्कर बट बैंक टैंक के साथ मेरी बहुत ही गहरा रिश्ता है क्योंकि किंगशुक गुन रिया गुन दे आर माई फैमिली और हम लोग साथ में तेज रफ्तार पिक्चर भी किया हुआ है दिस इज़ अ यूनिक आइडिया विच वेरी यंग टैलेंट रिया ने क्रिएट किया है एंड शी स्टडीज़ इन लंडन ऑल्सो एंड किंगशुक दा इज़ अ वेरी वेल नोन बिजनेस मैन एंड प्रोड्यूसर But this is a something different which he opened up and I think this is a very good idea and already unki jo cafe tha bahut hi popular ho chuka hai aaj itne bade itne acche se ye lounge open ho raha hai I think this is a very exclusive thing in Mira Road area aur puri India se log already inki cafe mein aate hai to bahut acha lag raha hai mujhe aaj aake aur itne auspicious occasion mein main attend kar pa rahi hu all the best to Gun family Kingshuk da Kaushik da and most young talent Riya and her team thank you so much सर यहाँ देखिए राइट राइट लॉन्च पर आप आए हैं क्या कुछ कहेंगे बीटी स्कीम पर बना हुआ ये लॉन्च है क्या कुछ कहेंगे देखिए मीरा महेंद्र शहर 20 लाख आबादी का शहर और शहर विकसित हो रहा है आपको मालूम है कोरोना काल के बाद सब कुछ लिमिटेशन खुल चुका है गवर्नमेंट से और इसलिए एक जल्लोश है लोगों के बीच में और ये जुलूस के बीच में इस मीरा महेंद्र शहर में कौशिक गुन जी ने एक बढ़िया सा परिवार के लिए एक लॉन्च बनाया है बैंक 10 लॉन्च जो एक ऐतिहासिक लॉन्च बनेगा क्योंकि यहाँ का जो इंटीरियर है यहाँ का जो एम्बियंस है वो एक अच्छा एम्बियंस है जो पूरा मीरा महेंद्र नहीं तो लग के हमारा मुंबई शहर है उनको भी बहुत अच्छा लगेगा वहाँ से भी लोग आएंगे थाना जिला से भी लोग आएंगे वसई विरार से भी लोग आएंगे और लगे हुए हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है पालघर वहाँ से भी लोग आएंगे इतना मैं आशा रखता हूँ और कौशिक जी को और उनके पूरा टीम को उनके खास करके उनके परिवार को लगे हुए थे इतने दिन का उनका सपना था कि ऐसा एक लॉन्च इस मीरा महेंद्र शहर में खुले हमारे देवाशीष दा भी हमें ज्वाइन किए और बाकी मेरे दोस्त ऋषि और बाकी लोगों को भी मैं सभी मीरा महेंद्र महानगर पालिका के और यहाँ के रहवासियों और व्यापारियों की तरफ से कौशिक जी का मैं हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ इसी तरह से उनका खाली मीरा महेंद्र नहीं तो पूरा भारत में उनका और लॉन्च बने पूरा वर्ल्ड में उनका लॉन्च बने और इसी तरह से हमें हर जगह हेलीकॉप्टर में और फ्लाइट में बुलाए और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं हमेशा गणपति लक्ष्मी विराजमान रहे और हमेशा उनको तरक्की दे जय हिंद जय महाराष्ट्र जय भारत धन्यवाद थैंक यू भाई यही कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि
एनी टाइम पीपल फ्रॉम दिस साइड फ्रॉम मीरा रोड वॉन्ट टू, एंड यहाँ पे बहुत डिवेलपमेंट हुआ है, बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पे हैं क्योंकि उनका काम यहाँ है, बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं, लेकिन दिस नो नाइस प्लेस फॉर देम टू हैव अ गुड इवनिंग. यू हैव टू ड्राइव इन द ट्रैफिक एंड गो टू अंधेरी और गो टू बैंड्रा, यू नो. तो आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पे देर इज़ सच अ नाइस लाउंज एंड ही इज थिंकिंग अबाउट इट बिकॉज एवरीबडी नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ एंटरटेनमेंट टू गो आउट एंड एवरीवन वांट्स ग्रेट फूड, गुड म्यूजिक एंड अ नाइस एम्बियंस एंड दे हैव गॉट इट हियर. सो आई एम वेरी हैप्पी. मतलब पर्सनल लोड लोड पार्टीज करना कितना एंजॉय करती है, दिस इज ऑल अबाउट द पार्टीज, रेस्टोरेंट एंड फूड. आई थिंक बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है. आई थिंक सबकी लाइफ में फेजेस आते हैं, फिर साल में भी फेजेस आते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि आप रोज बाहर जा रहे हो, स्पेशली ड्यूरिंग जैसे अभी क्रिसमस आ रहा है, दिल बी अ लॉट ऑफ हॉलीडेज, बच्चों की छुट्टियाँ होंगी, आपको भी ऑफ मिलेगा, तो देन यू टेंड टू गो आउट अ लॉट. फिर एक फेज़ आता है जहाँ आप 4-5 महीने कहीं नहीं जाते. सो आई लाइक गोइंग आउट एंड एवरीबडी लाइक्स अ गुड एम्बियंस. हाँ स्वीट, थैंक यू सो मच. फिलहाल तो दो फिल्में कंप्लीट की हैं, एक तो सिग्नेचर जो अनुपम खेर जी के साथ है एंड द अदर वन इज आई थिंक 2-3 दिन का काम है मेरा उसमें, और दैट इज इमरजेंसी, कंगना रनावत इज डायरेक्टिंग, सो उसमें आई एम डूइंग पुपुल जैकर्स कैरेक्टर. और 2-4 फिल्में हैं जो अब शुरू होंगी, तो जैसे ही मैं कंफर्म करती हूँ देन आई विल अनाउंस इट. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू, हैव अ गुड इवनिंग. थैंक यू मैम. थैंक यू. इधर भी अलग अलग क्यों? यहाँ पे सर हट जाओ भाई, सामने से हट. ये प्रथम बिछा ना यार. हेलो मैम. हेलो कांग्रेचुलेशंस. आगे यार 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 सिद्धार्थ और महिमा का एक जॉइंट ले लो. यहाँ पे यहाँ पे आप भी आइए मैडम. आप भी आइए सेंटर. महिमा जी सेंटर जाइए सर. आप भी सर आइए. सर आइए आइए आइए. यो 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 महिमा जी यहाँ पे देंगे. सिद्धार्थ सर. यो यो सिद्धार्थ जी. 16 अभी मैम आप सिर्फ दोनों का चाहिए. सिर्फ दोनों का चाहिए सर. सिद्धार्थ मैम ले लो. सिद्धार्थ दोनों के. यहाँ पे महिमा जी अभी सोलो. अभी सोलो सोलो सीधा जियो. सीधा जियो
इधर से यार नहीं बहुत सुंदर बनाया है द एम्बियंस इज वेरी नाइस एवरीवन लाइक्स अ गुड नाइट आउट एंड दिस इज द परफेक्ट प्लेस रियली यू नीड समथिंग इन एवरी प्लेस ऑफ मुंबई व्हिच इज नाइस फॉर द फैमिली फॉर फ्रेंड्स फॉर हैंगिंग आउट सो इट्स ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स मैं जब आ रहा था तो मुझे एकदम सामने ये दिखने लगा दैट मीन्स कि जिस तरह उन्होंने बाहर का यू नो प्रॉपर जो डेकोरेशन और इंटीरियर हुआ है बाहर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छे से बहुत अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे एंड बेस्ट पार्ट इज दिस कि इस जगह पे इतना अच्छा यू नो लाउंज ओपन करना इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग सो माय हार्टेस्ट कंग्रेचुलेशंस टू किंग शुक्दा एंड कौशिक जी जी जैसे आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं मैं भी बेसब्री से ही इंतज़ार कर रहा हूँ कि जल्दी से थिएटर में आए वो फिल्म और आप सब उस फिल्म को देख पाएँ बिकॉज वो फिल्म बहुत अच्छे से बन रही है और बहुत बड़े बड़े स्केल मतलब एवरी थिंग इज़ ओवर द टॉप यू कैन से सब कुछ बहुत अच्छे से बनाया जा रहा है बहुत अच्छी शूट चल रही है रिसेंटली अभी हमने यू नो कुछ चीज़ें कुछ सीन्स हमने कंप्लीट करे हैं वो बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं सो माय फिंगर्स क्रॉस्ड सब अच्छे से हो और जल्दी से फिल्म रिलीज़ हो और आप सब देख पाएँ तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू जी जी भाई जान की फिल्म है तो ईद पर तो आनी है आई थिंक जितने भी सलमान सर के फैंस हैं उनके लिए ट्रीट है जो सलमान सर ने उन्हें दी है बहुत सोच समझ के नाम रखा गया है एंड बहुत अच्छा थॉट है कि मुंबई के ऐसे आउटस्कर्ट यू नो अभी ये जो पूरा एरिया ये आउटस्कर्ट में आता है ऐसी नई चीज़ों को ओपन करना और ऐसे यू नो लाउंज को ओपन करना बहुत बड़ी बात है और एक कह सकते हैं कि अभी एरिया भी इतना डेवलपमेंट कर रहा है हमने बहुत सारे डेवलपमेंट देखे हैं यहाँ पे और ऐसी चीज़ ओपन करने से बहुत सारी चीज़ें ग्रो करती हैं आप कह सकते हैं कि यहाँ के जितने भी लोग हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी जगह है जो यहाँ पे लोग आ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ डांस करने या फिर टाइम स्पेंड करने यहाँ पे और एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल जाती हैं इस पूरे एरिया में तो बहुत सोच समझ के इस लोकेशन को चुना गया है और इस चीज़ को खोला गया है तो एंड ऑल यू नो सल्यूट टू किंग शुक्दा एंड कौशिकदा सो गुड वर्क पूरा इंडिया पूरी दुनिया BTS की फ़ैन है और उनके गाने इतने एडिक्टिव होते हैं कि एक बार आप सुनते हो तो ऐसा लगता है कि आप यू नो रिपीट में लूप में सुनते रहो बट वेरी ऑनेस्टली मैंने ज़्यादा उतने उनके गाने सुने नहीं हैं बट येस आई यू नो हर्ड 2-3 सॉन्ग्स बट सारे सॉन्ग्स से बहुत अच्छे हैं वो आई थिंक मेंटोर हैं हम जैसे यू नो कह सकते हैं न्यू कमर्स और हम जैसे यू नो बच्चों के लिए सो एज एन एक्टर बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है फर्स्टली सबसे बड़ी चीज़ सीखने को मिलती है वो है कि डाउन टू अर्थ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और काइंड हार्टेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सलमान सर हैं और बहुत ही हेल्पफुल हैं वो सबको लेके एंड रियली इज़ अ मैन ऑफ गोल्डन हार्ट मैं आपको अच्छे से बताऊंगा आज तो हम लाउंज में आए तो आई थिंक हमें अंदर जाना चाहिए और मस्ती करनी चाहिए बाल ऐसे मेंटेन कैसे करते हैं आई डोंट नो आई एम इंटरेस्टेड इट्स सो थिक एंड ब्लैक आई कांट टैन ओवर या मेरे बाल आज ब्लड प्रूफ है बैंग टैन है लिटरली व्हाट डू यू पुट सर हेयर प्रोडक्ट्स बट बहुत मुश्किल होता है बड़े वालों को मैनेज करना यार मत पूछो लगता है अच्छा खासा टाइम लगता है बट हाँ मुझे 20-25 मिनट तो लग जाते हैं मेरे जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं उनकी देने ये तो वही करते हैं मैं होता हूँ तो ऐसे खुले बाल रहते हैं जहाँ भी जाता हूँ नॉर्मली खुले बालों में ही जाते हैं थैंक यू गुड इवनिंग एवरीवन थोड़ा फैमिली फोटो आ जाए सर आप
यहाँ पर नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं संगीतकार दिलीप सेन और आप सबको बताते हैं, बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं मीरा भाईंदर में आया हुआ हूँ। बैंकटन लॉन्च में रिया जी की तरफ से लॉन्च हो रहा है हुड फैमिली की तरफ से, तो मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और ख़ास करके आज जितनी प्रेस मीडिया को देख के आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप लोग आए हो। और सबको मेरी तरफ से दिवाली गई है, मगर फिर भी सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आने वाला दिसंबर भी आप लोगों को बधाइयाँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बाप का एक सपना होता है, तो रिया जी के पिताजी ने ये जो सपना देखा और उन्होंने बैंकटन लॉन्च किया है रिया के लिए, तो मेरी तरफ से एक संगीतकार के नाते बहुत बहुत उनको बधाइयाँ। और एक छोटा सा गाना गाना चाहूँगा मैं उनके लिए, क्योंकि भाषण तो मैं देता नहीं हूँ, मैं एक कलाकार होने के नाते। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल है हम सुबह हो शाम। रिया आई लव यू, यू लव मी। यहाँ तो रिया जी को बहुत बहुत बधाइयाँ और यहाँ आए हुए सारे मेहमानों को बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे और मेरी डॉटर जो है वो बहुत बड़ी फैन है बीटीएस की, तो मुझे पता नहीं था, अदरवाइज मैं उसको जरूर लेके आता, लेकिन अगली बार मैं डेफिनेटली उसको लेके आ रहा हूँ। पार्टीज डेफिनेटली मैंने बहुत सारी की हैं। अब मैं पूना में रहता हूँ, सो मैं पूना की पार्टीज इन्जॉय करता हूँ, पर यहाँ पे आके मुझे एम्बियंस देखना है, म्यूज़िक देखना है, जो कि मुझे पता है डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, बिकॉज थीम इतनी अमेजिंग है, तो मुझे लग रहा है लाउंज भी बहुत अमेजिंग होने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Congratulations to you first. Thank you. 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 Thank you